जय बजरंगबली की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, सभी हिंदू त्योहारों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण त्योहार दिवाली को माना जाता है। इतना ही महत्वपूर्ण त्योहार हम धनतेरस को भी मानते हैं। आज की वीडियो में हम धनतेरस के बारे में ही बात करेंगे। वैसे अगर हिंदू त्योहारों की बात की जाए तो दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है ताकि अगले साल तक माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहे। और अब आज आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चाहे आप दीपावली पर लक्ष्मी पूजन करें या धनतेरस पर करें, इसके लिए आपको लक्ष्मी पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त, सही विधि विधान आदि का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। वैसे आज की वीडियो में मैं आपको धनतेरस के दिन कुछ खास आसान और कुछ खास सामान घर लाने के बारे में बताऊंगा, जिनको घर लाने से दरिद्रता का नाश जरूर होता है और साथ ही सुख का आगमन होता है। वहीं दीपावली के दिन पहले ही तेरस आता है। बता दें कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस और अमावस्या को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। दोनों ही त्योहार धन संबंधी होते हैं और इन दिन लोग माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए साफ सफाई का विशेष महत्व देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे धनतेरस के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखें और लाइक करें हमारी इस वीडियो को। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय बजरंगबली या जय लक्ष्मी माता, जो भी आप लिखना चाहें अवश्य लिखें ताकि आपको माँ लक्ष्मी और सभी भगवान की कृपा प्राप्त होती रहे। और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब हम बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। घर में धनतेरस के दिन कुछ खास चीजों को लाना बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही कहा जाता है कि इसे लाने से आपके घर में माँ लक्ष्मी वास करती है। आपने देखा ही होगा धनतेरस के दिन बाजारों में खूब भीड़ रहती है। बाजारों में धनतेरस के दिन सोना चांदी से लेकर बर्तनों की दुकान तक पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। पर आपको बता दे कि आपको पता होना चाहिए कि सोना चांदी से भी ज्यादा कीमती चीज उस दिन झाड़ू होती है। जी हाँ, इस दिन झाड़ू खरीदने से घर में धन दौलत के साथ साथ सुख समृद्धि आती है। और इस दिन अगर आप चाहे तो इस दिन को आपको एक झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। जी हाँ, ऐसे में पूरे घर की सफाई नहीं झाड़ू से ही करें। इसके अलावा झाड़ू का काम खत्म हो जाए तो इसे हमेशा के लिए ही रख दे और इसे हमेशा छुपा करके रखना है। झाड़ू का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। लोगों का कहना है कि जिस चीज से माता खुश होती है उनको वही चीज घर में लानी चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि लोग दीपावली के दिन झाड़ू क्यों खरीदते हैं, बल्कि साफ सफाई तो पहले ही कर लेते हैं। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी को भगवान माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा करने से और नई चीजें खरीदने से पूरे साल घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को भी महालक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। झाड़ू से दरिद्रता गंदगी बाहर जाती है। जिन घरों में और जिन घर के कोनों में साफ सफाई रहती है वहाँ का वातावरण सकारात्मक रहता है, घर में वास्तु दोष दूर होता है। इन्हीं कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाए तो माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह उपाय भी अवश्य करना चाहिए। आपको अपने घर के आसपास किसी भी मंदिर को देख ले। अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो उसमें यह उपाय करें। अगर आप घर के आसपास नहीं तो जहां पर भी मंदिर हो यह उपाय आपको मंदिर में करना है। अगर आप देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो घर के आसपास किसी भी मंदिर में झाड़ू दान कर दें। चाहे तो आप पहले से ही 3 झाड़ू खरीद करके अपने घर में लेकर के आ सकते हैं और अब मंदिर में जाने के बाद इन झाड़ू को मंदिर में रख दें और वहां से चले आए। यही परंपरा है कि मंदिर में झाड़ू दान किया करते हैं। इससे आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आपको दान करते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। मंदिर में झाड़ू आपको सुबह जल्दी उठकर करके ये सभी काम से निर्मित होकर के आपको किसी विशेष दिन करना चाहिए, जैसे कि धनतेरस, दिवाली और कोई त्योहार। ज्योतिष के अनुसार कोई शुभ योग को या शुक्रवार को तो आप यह विशेष करके ध्यान रखना चाहिए कि यह उपाय आपको सिर्फ किसी त्योहार पर या ज्योतिषों के अनुसार बताया गया किसी शुभ दिन पर ही करना चाहिए या फिर शुक्रवार को कर सकते हैं। इस काम को जब भी आप करते हैं तो आपको किसी को बिना बताए गुप्त रूप से करना है। शास्त्रों में गुप्त दान का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए यह भी कार्य आपको जब भी आप करेंगे किसी को बिना बताए करना है। बिना किसी से यह बात शेयर किए आपको यह कार्य करना है। आपको यह काम जब भी करना हो उसे एक दिन पहले ही बाजार से झाड़ू खरीद करके ले आए।
क्योंकि यह उपाय आपको ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सुबह जल्दी उठकर कर करना है, सूर्योदय से पहले ही करना है। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो यह पूर्ण फलीभूत होगा। और जब भी घर में आप पोंछा लगाते हैं तब पानी में थोड़ा सा नमक भी मिला लेना चाहिए। नमक मिले हुए पानी से पोंछा लगाने से फर्श के सूक्ष्म कीटाणुओं का नाश होता है, साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म हो जाती है और वास्तु दोष भी समाप्त हो जाता है, जिससे घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। जिन घर में पवित्रता रहती है वहां लक्ष्मी का आगमन स्वतः ही हो जाता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार गुरुवार को घर में पोंछा नहीं लगाना चाहिए, ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है। इसलिए आपको नमक डाल करके अगर पानी में पोंछा लगाना है तो गुरुवार को छोड़कर के अन्य सभी दिनों में आपको लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास साधारण नमक है, अगर आप कोशिश करें कि आप सेंधा नमक यानी समुद्री नमक से डाल करके पोंछा लगाएं। यदि आपके पास सेंधा नमक या समुद्री नमक नहीं है तो आप साधारण नमक से भी लगा सकते हैं। इससे आपको माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। झाड़ू से घर में प्रवेश करने वाली बुरी और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। जब भी हम घर में झाड़ू लगाते हैं या झाड़ू करते हैं, इससे हमारे घर की सभी बुराइयां और नकारात्मक ऊर्जाओं का सत्यानाश हो जाता है। हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और इससे संबंध में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि खुले स्थान पर झाड़ू को आपको नहीं रखना चाहिए। आपको हमेशा झाड़ू ऐसी जगह पर रखनी चाहिए जहां पर वो किसी को दिखाई ना दे, लेकिन वो स्थान साफ सुथरा हो। अगर आप खुले स्थान पर झाड़ू रखते हैं तो इससे आपको अपशगुन लगता है, इसलिए इस झाड़ू को छुपा करके इसके साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका भोजन कक्ष है, जहां पर आप बैठ करके भोजन करते हैं, उस भोजन कक्ष में भी आपको झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। इसके पीछे की ज्योतिषों के अनुसार बात की जाए तो इसके पीछे का कारण यह है कि अगर आप अपने भोजन कक्ष में या रसोई में झाड़ू रखते हैं तो इससे आपका ना जल्दी खत्म हो जाता है, यानी कि धन आगमन की स्थिति जल्दी खत्म हो जाती है और साथ ही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। अगर आप अपनी रसोई में रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके स्वास्थ्य संबंधी या कोई व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता है। अपने घर के बाहर रोज रात के समय दरवाजे के सामने झाड़ू रखते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। तो अगर आप अपने घर के मेन दरवाजे पर, जो आपका मेन गेट है, उस पर आप झाड़ू रखते हैं तो उससे भी आपके रात में आपके नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में बनी जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप रात को जब सूर्य ढल जाए तब आप मेन गेट के आसपास अपने झाड़ू रखते हैं तो कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। लेकिन यह काम केवल आपको रात के समय ही करना है। दिन में आपको झाड़ू को छुपा करके रख देना चाहिए। अगर कोई बच्चा घर में अचानक झाड़ू लगा रहा हो तो समझ जाना चाहिए अनचाहे मेहमान घर में आने वाले हैं। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोछा गलती से भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू पर आपको गलती से भी पैर नहीं रखना चाहिए, ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है और यह भी एक अपशगुन है। तो इसलिए आप कभी भी झाड़ू का अपमान ना करें। कभी भी हमें झाड़ू से किसी भी जानवर या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए। जैसे कभी गाय या अन्य जानवर को झाड़ू से बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए, यह भी एक अपशगुन है। कोई भी सदस्य किसी खास कार्य के लिए घर से निकल रहा हो या कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो तो उसके जाने के तुरंत बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को असफलता का सामना करना पड़ सकता है या फिर कोई दुर्घटना आदि भी हो सकती है। झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए, यह भी एक अपशगुन है। झाड़ू को हमेशा लिटाकर ही रखना चाहिए। हम जब भी नए घर में प्रवेश करते हैं तो घर में कभी भी जो झाड़ू हम पुराने घर में यूज करते थे वह नहीं लेकर के जाना चाहिए। अगर आप नए घर में प्रवेश कर रहे हैं तो नए घर में नई झाड़ू लेकर के जाएं। घर में प्रवेश करेंगे तो आपके पास नई झाड़ू होनी चाहिए और नई झाड़ू के साथ प्रवेश करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। माता लक्ष्मी भी आपके नए घर में प्रवेश करती है। इससे नए घर में सुख समृद्धि और बरकत भी बनी रहती है। और अगर आप पुराने झाड़ू लेकर जाते हैं तो नए घर में जाते हैं तो आप अपशगुन माना जाता है और आपसे घर की लक्ष्मी रूठ जाती है। इसलिए आप नए घर में तो अपने नए झाड़ू लेकर ही जाएं, पुराने झाड़ू को अपने पुराने घर में ही छोड़ दें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जय लक्ष्मी माता, जय माता दी या फिर जय बजरंगबली अवश्य लिखें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखें और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहे जय बजरंगबली।